पर लूटपाट करने वाले गिरोह के चार आरोपियों को काबू कर लिया है। इन पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी के खिलाफ दिल्ली में एक मुकदमा चैन स्नैचिंग का और एक अन्य आरोपी के खिलाफ दिल्ली में चोरी व स्नैचिंग के चार मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि 4 अक्टूबर की सुबह तीन अज्ञात युवकों द्वारा करनाल हाईवे पर घरोंडा स्थित राणा पेट्रोल पंप से लूट की वारदात की गई थी। यहां आरोपियों ने रिवॉल्वर दिखाकर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट की थी। इस दौरान 5,000 रुपए व एक मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस द्वारा अज्ञात युवकों के खिलाफ सेल्समैन अंकित निवासी गांव गुलकणी के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया था, जिसके बाद CIA वन इंचार्ज द्वारा एक टीम का गठन किया गया। आपको बता दें कि टीम को गुप्त सूचना मिली कि लूट की वारदात करने वाले आरोपी राशिद निवासी गांव खंदरावली, मोहम्मद अकरम निवासी गांव अकबरपुर व आरोपी साजिद अहमद निवासी कैलाश नगर दिल्ली को नमस्ते चौक के पास घूम रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने दबिश दी और आरोपियों को काबू कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 2 देसी पिस्तौल व 6 जिंदा रोंद कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपने एक अन्य साथी के सहयोग से इस वारदात को अंजाम देने की बात भी कबूली है। इस पर आरोपी सुमित निवासी गांव नवादा को घरोंडा से गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां बता दें कि आरोपी सुमित इसी पेट्रोल पंप पर व्हीकल पॉल्यूशन चेक करने की दुकान चलाता है, जो पेट्रोल पंप की रैकी करता था। सुमित व राशिद पहले से ही दोस्त थे। सुमित ने ही राशिद को और आदमी लाकर वारदात को अंजाम देने का प्लान बनाया था, जिस पर राशिद ने अपने दोनों साथियों को बुलाकर चारों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी राशिद के खिलाफ दिल्ली में एक मुकदमा स्नैचिंग का और आरोपी अकरम के खिलाफ दिल्ली में चोरी व स्नैचिंग के चार मुकदमे दर्ज हैं। अब पुलिस आरोपियों को अदालत से रिमांड हासिल करेगी। रिमांड के दौरान आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जाएगी, साथ ही आरोपियों से लूटे गए मोबाइल फोन व रुपए को भी बरामद किया जाएगा। 4/10/2020 को सुबह 3 बजे तीन लड़कों ने 2 पिस्टल और लेकर उनको पेट्रोल पंप लूट की थी। 5,000 रुपये और एक मोबाइल छीन के ले गए थे। हमें वार्षिक प्रयत्न के बाद दिनांक 16/10 को गुप्त सूचना के आधार पर तीन शख्स राशिद और अपना अक्रम और साजिद को शक के आधार पर इनको पूछताछ की और इन्हें पूछताछ में ये आरोपी पाए गए तो इनको अरेस्ट किया। इनके कब्जे से 2 पिस्टल बरामद की गई। तो एक इसमें से जो लुटेरा था वो वहीं काम करता था पेट्रोल पंप पे, और एक जो राशिद है इसके डिस्क्लोजर में है, इसने बताया कि जो एक लड़का सुमित नाम का है पेट्रोल पंप पे प्रदूषण की दुकान चलाता है, उसके साथ मिलकर ये षड्यंत्र चा गया था और इस षड्यंत्र के तहत ये लूट की गई। तो और भी लूट कर रखी है इन्होंने, इन्हें को दिल्ली में लूट कर रखी है। दिल्ली में 2 अकरम के और राशिद के खिलाफ लूट के मुकदमे दर्ज हैं। ये तिहाड़ जेल में भी इकट्ठे तो रिमांड पे लिया जाएगा जी। इनको आज कोर्ट में पेश करके रिमांड पे लिया जाएगा। आपका नाम? सब इंस्पेक्टर रणबीर सिंह। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.